हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, बिजनेस स्टडी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पेपर देने जाने से पहले इस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, योजना के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? योजना के क्या उद्देश्य होते हैं? पूर्वानुमान, मितव्यता, निश्चित लक्ष्यों को स्थापित करना, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर जो रहेगा डी रहेगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कहा था हार्ट, हेनरी फेयोल, उर्विक या फिर एलन? तो ये कहा था एलन, फोर्थ एलन ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? जब नियोजन प्रक्रिया होती है तो उसका अंतिम चरण क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण, पूर्वानुमान, सर्वोत्तम विकल्प का चयन या फिर अनुसरण करना? तो इसका आंसर डी होगा, अनुसरण करना। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, भावी क्रियाओं का पूर्ण निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? तो भावी जो क्रियाएँ होती हैं उनका पूर्ण निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन। तो इसका आंसर जो रहेगा ए रहेगा, नियोजन रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्य कैसे होने चाहिए? आदर्श, जटिल, व्यावहारिक, एक पक्षी या फिर? तो इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा, व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न का योजना से संबंध नहीं है, किसका योजना से संबंध नहीं है? बजट, अभिप्रेरणा, कार्यक्रम या फिर कार्यविधि? तो इसका जो आंसर रहेगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मेरी संपत्ति, कारखाना, सब कुछ ले लो, मेरे लिए गांठ, मेरा संगठन छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? हेनरी फेयोल, F.W. टेलर, हेनरी फोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था हेनरी फोर्ड ने। फिर रहेगा रिक्त स्थान, एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। तो प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, इसमें प्रक्रिया आएगा। नियोजन एक डैश प्रक्रिया है, तो उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया है, नियोजन एक उद्देश्य निर्धारित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रबंध, डैश प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, तो नियोजन जो होता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। फिर है बिना लक्ष्य के डैश की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना लक्ष्य के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बजट भविष्य के लिए खर्चों का पूर्वानुमान है, एक वाक्य में उत्तर देने हैं इनके। नियोजन करते समय प्रबंध को भविष्य के बारे में कुछ संकल्पनाएं, मान्यताएं प्रदान होती हैं, इन्हें डैश कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इनके आंसर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिकल्पनाएँ कहते हैं, यहाँ पर आंसर लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध के सभी कार्यों में से एक कार्य को आधारभूत कार्य माना जाता है, उस कार्य का नाम बताएं? तो उसका नाम रहेगा नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रतिस्पर्धी की नीति के विश्लेषण में कौन सी योजना सहायता करती है? तो इसका आंसर रहेगा व्यूह रचना, व्यूह रचना इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह योजना कौन सी है जो कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्य को बताती है? तो जो इसका सही आंसर होगा नियम होगा, उसे बोलते हैं नियम। प्रबंध के किस स्तर पर नियोजन कार्य किया जाता है? प्रबंध के किस स्तर पर नियोजन कार्य किया जाता है? तो सभी स्तरों पर नियोजन कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस, आप इसको नोट कर सकते हैं और इनके आंसर जो है आप नीचे लिखे हुए देख सकते हैं। मैं नीचे के अन्य प्रश्न आपको दिखाता हूँ जो कि सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको, आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन का मानसिक कार्य है, नियोजन का मानसिक कार्य क्या है? किसी भी योजना को बनाने के लिए उच्च स्तरीय सोच की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इन सभी कार्यों हेतु उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, अतः नियोजन एक मानसिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्युत्पन्न योजना किसे कहते हैं? क्या सहायक योजना व्युत्पन्न योजना होती है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नियोजन की भविष्यवाणी, नियोजन को भविष्यवाणी क्यों कहा जाता है? तो नियोजन का संबंध भविष्य से होता है, अतः इसे भविष्यवाणी का भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नियोजन की सीमाओं पर विजय पाने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो नियोजन की सीमाओं पर विजय पाने के क्या उपाय हो सकते हैं? उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
फिर ये जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, नियोजन के अंतर्गत पांच डब्ल्यू कौन से हैं, तो क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हु, ये जो होते हैं नियोजन के अंतर्गत पांच डब्ल्यू हैं, इनको आप ज़रूर पूछें, याद करें, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोर्चाबंदी कितने प्रकार की होती है, समझाइए। मोर्चाबंदी दो प्रकार की होती है, बाहरी मोर्चाबंदी, बाहरी मोर्चाबंदी से तात्पर्य है जो प्रतियोगी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और आंतरिक मोर्चाबंदी ऐसी मोर्चाबंदी जो किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही उत्पन्न होने वाली समस्या का सामना करने के लिए बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या बजट का संबंध नियोजन और नियंत्रण दोनों से होता है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि योजना न बनाई जाए तो इसका संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वे कौन सी घटनाएं तथा शक्तियां हैं जो व्यवसाय की योजनाओं को प्रभावित करती हैं, तो कौन सी हैं, कीमतों तथा लागतों में वृद्धि, सरकारी हस्तक्षेप, अप्रत्याशित घटनाएं तथा परिवर्तन, कानूनी प्रावधान तथा अधिनियम व्यवसाय की योजनाओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं है, इस कथन को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के बारे में आप क्या जानते हैं, सेव वर्गीय नीति, विक्रय नीति, मूल्य निर्धारण नीति, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, नियोजन की परिभाषा दीजिए, नियोजन की परिभाषा लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, पेपर देने से पहले इन्हें ज़रूर पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।